अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीरा जलील और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पकाओ दिल से। जी जनाब, पकाओ दिल से में हम आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना सिखाते रहते हैं। तो आज की जो रेसिपी, जिसका नाम सुन के हो सकता है आपको थोड़ा सी मुस्कराहट आपके चेहरे पे आ जाए, कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेज़ी। अब चंगेज़ ख़ान के बारे में तो आपको पता ही होगा कि चंगेज़ ख़ान का क्या कैरेक्टर था, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो नाम से रिलेट कर जाती हैं। इसके पीछे क्या कहानी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ये चिकन चंगेज़ी। कैसे बनेगी आपको हम बताएंगे, आप ज़रूर इसको इन्जॉय करेंगे। चलें जी, चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए हम किचन में आ चुके हैं और हम करेंगे यहाँ पर पहले चिकन को मैरिनेट। अब इस चिकन को आप मैरिनेट करके अपने घर में ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे भी अच्छा रहेगा कि आप इसको कुछ टाइम दे दें। ये मेरे पास 750 ग्राम यहाँ पे चिकन है, बड़े बड़े पीसेस हैं, आप चाहें तो और भी बड़े ले सकते हैं, यानी एक चिकन के 8 पीस ये, लेकिन मेरे पास 12 पीस है। अब इसकी मैरिनेशन में क्या कुछ जाएगा ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैरिनेशन में जाएगा ये नमक, ठीक है, नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं ये भी 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर ये भी है 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये गया इसके ऊपर, बेहतरीन सा ये मसाला है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी जाएगा इसमें तकरीबन ऐसे 1 टेबलस्पून से, थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लें कोई मसला नहीं, क्योंकि अदरक लहसुन कभी भी किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करते, लेकिन बहरहाल एक बैलेंस क्वांटिटी होना चाहिए। दही, दही मैं डालूंगी इसमें 4 टेबलस्पून, वैसे मेरे पास टेबलस्पून नहीं है लेकिन मैं इसमें 5 से 6 शामिल कर देती हूँ, ये हो गया। अच्छा, वैसे चिकन चंगेज़ी जो है ना, ज़रा सा ये गुस्से वाली लगता है चिकन है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है, आप चाहें तो रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, गया येलो फूड कलर इसके अंदर, ये चला गया। अब क्या जाएगा, अब जाएगा इसमें लेमन जूस, जो कि होगा तकरीबन 1 टेबलस्पून, यानी 1 लीमू का जूस। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको बहुत अच्छा, एक पिंच जो है वो हम कसूरी मेथी की भी डालेंगे पाउडर फॉर्म में, ये मेरे पास मौजूद है, ये भी डाल दी, ये गया। और जाएगा इसमें ऑयल, ऑयल जाएगा इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, ये चला गया, 2 टेबलस्पून डाल दें काफ़ी रहेगा। और अब मैं इसकी करूँगी मिक्सिंग बहुत अच्छे से, इसको हम बिस्मिल्लाह अच्छे से, जो इसके हमने मैं आपको बताना भूल गई कि हमने इसके कट्स भी लगाए थे, ये आप देख सकते हैं, इन कट्स के अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह से जाना चाहिए। तो ये बेहतरीन सा जा रहा है मसाला इसके अंदर, और इसको आप अपने घर में तो भाई टाइम दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ तो मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, वरना तो मैं सारा दिन सिर्फ वीडियोज़ ही बनाती रहूँगी। ये देखा आपने कलर कितना अच्छा सा प्यारा सा आ गया है। अच्छा, इस स्टेज पे आप इजीली आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये देखें, जो आवाज़ें आना शुरू हुई ना, ये कोयले की हैं, क्योंकि उसको मैं धुआं भी लगाऊंगी ना। तो पहले हम इसको कुक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम मसाला तैयार कर लेंगे, वरना इसको मैं पकाऊंगी तवे के ऊपर, ठीक है। तो ये सिर्फ पैन को गर्म करने के लिए, ओहो बहुत तेज़ हो रहा है भाई, ये डाला 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला ताकि पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए, और ये वेज चिकन इसके ऊपर, और ये कोयला भी साथ साथ आ गया, कोई बात नहीं, बाबी की हो रहा है। सिंगल लेयर रखिएगा, हो गया, बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है, आप अपनी दावतों में बना सकते हैं, रमज़ानों में आप अफ्तार पे किसी को बुलाएं तो ये बना के आप पहले से रख सकते हैं, यानी जैसे ये टिक्के बन रहे हैं इसको आप बना के रख सकते हैं, और फिर बाद में आप इसको मसाले में बना लें, और ये बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोयला मुसलसल हो रहा है और ये मसाला मैंने इसमें अलग से करके रख दिया है, ये मैं अब जो दूसरा मसाला डालूँगी ना उसके अंदर ऐड करूँगी। वाह बेहतरीन, ये देख रहे हैं आप कितना कोई अच्छा सा उस पर कलर आना शुरू हो गया, लेकिन इसको इतना कुक करना है क्योंकि हमें तकरीबन 80% इस पर कुक करना है और बाकी हमें मसाले में करना होगा, ऐसा कलर आना लाजमी है उसको। ये देखें, ये उसी सूरत में अच्छी गलेगी जब आप इसको ओवरनाइट इसको रखेंगे, तो बेहतरीन ये गल भी जाएगी। आँच दरमियानी कर दीजिए इस स्टेज पर, ये हो रहा है, इसको मैं 2 मिनट और कुक करूँगी,
ताकि ये अच्छे से जब मसाले में हम डालें तो इस पर मसाला चिपता हुआ रहना चाहिए। अब पता क्या, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही, मेरा दिल चाह रहा है इसको ऐसी टेस्ट करूँ, लेकिन नहीं, इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए हम बनाएंगे एक मसाला। और इसको मैं हटाती हूँ और अब मसाले की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये हो गई है पूरी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब जलाएंगे हम एक अदद कोयला, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं जलाए लेकिन बहरहाल फिर भी इसमें ज़रा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, ये गया। और इस मौके पे आपको तैयार रखना है अपना हथियार यानी कवर, और ये गया इसके ऊपर। वाह, ज़बरदस्त। इसको हम एक साइड पे रख देते हैं और अब बनाते हैं इसका शानदार सा मसाला। चले जी, हमने ये तवा रख दिया है और अब हम डालेंगे इस पर बारी बारी सारी चीज़ें। ये है एक अदद बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, या दो मीडियम साइज़ की भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसको अब हम फ्राई करेंगे। ये डालेंगे इसमें ऑयल या घी, जो भी आप डालना चाहें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है और ये ऑयल है तकरीबन आधा कप के करीब ना। ये एक्चुअली तवे पे ही बनाई जाती है ये वाली डिश, और ये चिकन जो है ना अमूमन बारबेक्यू भी कर लेते हैं लोग, लेकिन ऑब्वियसली घरों में ये सहूलत नहीं होती है, तो हमने आपको बता दिया कि कोयले का धुआं लगाइए, बिल्कुल आपकी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह चिकन चंगेज़ी। और बारी आ गई है कि मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँ, जैसे कि ये है यहाँ पर टमाटर, तीन बड़े साइज़ के या चार मीडियम साइज़ के आप ले सकते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने मसाले जो इसको टेस्ट देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है, नमक जायके के मुताबिक, ध्यान रखिएगा कि नमक हमने उसमें भी डाला हुआ है, अपने तिक्कों में भी डाला हुआ है, हल्दी 1/2 टी स्पून, और पिसा हुआ गर्म मसाला हमने 1 टी स्पून, लेवर ले लीजिएगा या फिर 3-4 टी स्पून भी ले सकते हैं। ये गए सारे मसाले इसके अंदर। हल्दी आपने देखी लिया था, मैंने 1/2 टी स्पून यूज़ की थी। ये देखिए, अब मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे, बेहतरीन सा ये मसाला तैयार होगा। लेकिन इसको भूनना है क्योंकि टमाटर जो है इसमें वैसे तो बॉईल हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी मसाले की हमें कच्चापन दूर करना होगा। ये देखेंगे, अच्छा जो मसाला हमने बनाया था और वो रह गया था, थोड़ा सा बच गया था, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, क्योंकि ज़ाया नहीं करना हमने किसी भी चीज़ को। और आज हमारी मुसलसल अभी तेज़ है, और अब बारी आती, मैं डालूँगी इसके अंदर दही। और मसाला मिक्स हो गया, ये गया दही जो कि था आधा कप के करीब, हमने तकरीबन एक कप दही लिया था, आधा हमने मैरिनेशन में यूज़ कर लिया और आधा हम यहाँ पर करें। वाह, अच्छा अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये क्या पानी, ठीक है। इस स्टेज पे आप चाहें तो नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, बट आई एम श्योर कि ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर सकते हैं। अच्छा अब मैं ले आती हूँ यहाँ पर वो टिक्के जो मैंने तैयार किए थे और जिन पे धुआं भी लग चुका है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा गलाना भी है। अच्छा अब इसके अंदर मैं काम करूँगी कसूरी मेथी शामिल करूँ, कसूरी मेथी। अच्छा अच्छा, ये गई कसूरी मेथी, इसके अलावा ये मेरे पास है बादाम का पाउडर, ठीक है ना, बादाम का, काजू का, कोई सा भी आप डाल सकते हैं। ये तकरीबन है मेरे पास 2 टेबल स्पून, 8-10 बादाम ले लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्यों, ताकि ज़रा मसाले अच्छे से हो जाएं। और अब मैं इसी मसाले के अंदर ये टिक्के जो हैं शामिल करने जा रही हूँ। अब ये मैं, ये देख सकते हैं आप, ओए हो, ये देखें, ठीक है, ये मैं इसमें रख रही हूँ ताकि ये मसाले में भी अच्छी तरह से पक जाए और बेहतरीन सा रिज़ल्ट इसमें आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ये आप देखें, कलर चेक करें कितना को खूबसूरत है, और मसाला कितना कोई अच्छा सा है इसमें, ज़बरदस्त सा पीस हो गया। सिंगल लेयर में ही रखिएगा। अब ये जो मसाला इसके अंदर मौजूद है ना, ये वाला भी, तो भाई ये भी मैं डालूँगी, ज़ाया तो हरगिज़ भी नहीं करूँगी। ठीक है जी, ये गया इसके अंदर ये सारा मसाला, और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, ये गया लेमन जूस इसके अंदर, थोड़ा सा पानी से भी डालेंगे मसाला ना,
और इसको हम कवर कर देंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये निकल रहा है बाहर, कोई इशू नहीं है इसको, इसको हम होने देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। आपसे मिलेंगे हम 15 मिनट के बाद। चलें जी, खुशबू आ रही है, ओ वाह ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं क्या कोई शानदार सा ये तैयार हुआ है। और इसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप मसाला इसका ऐसे ही थिक होता है, खूब अच्छा लिपटा हुआ सा मसाला, ये देख सकते हैं आप ना, बेहतरीन सा मसाला इसका जो है वो तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, बस मैं ऐसा करती हूँ कि फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसी पे हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी क्या शानदार सी ये, इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, सिर्फ इसको मैं फील कर सकती हूँ। आप घर में बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, ये बड़ी कोई दावतों वाली डिश है, इसको आपने ज़रूर बनाना है, फिर आप देखिएगा क्या कोई आपकी तारीफें होंगी। ये क्या, इस पर कुछ हरा धनिया, हमारे देसी खाने जो है ना वो हरा धनिया के बगैर इनकम्प्लीट लग रहे होते हैं, तो ये क्या हरा धनिया, और ये कुछ हमने स्लाइस की हुई जूलियन हरी मिर्चें रखी हुई, तो फिर एंजॉय कीजिए। चिकन चंगेजी तैयार हो चुकी है और खाने में दिखने में बहुत मज़ेदार सी लग रही है। आई एम श्योर कि इसका कि जो इसकी जो ग्रेवी है वो आपको यकीनी तौर पे बहुत अच्छी लगेगी, डिफरेंट सी इसकी ग्रेवी है जो कि आपके टेस्ट बड के मुताबिक होगी। इसको आप रोटी से खाएंगे ना, जो रुमाली रोटी होती है, अब आप सोचेंगे रुमाली रोटी कौन सी, ये भी हम आपको इंशाल्लाह किसी दिन बताएंगे। तो एंजॉय कीजिए इस चिकन चंगेजी को, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away, yeah.